हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड ने 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन किया, उसके कौन कौन से सब्सिडरी में कितना प्रोडक्शन किया, इस वीडियो को लेके मैं आया हूँ आपके पास। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोल इंडिया लिमिटेड की कौन कौन सी सब्सिडरी ने कितना लक्ष्य रखा था और उसमें से कितना प्रोडक्शन कर पाया, कौन सी ऐसी सब्सिडरी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया, सबसे अच्छा परफॉर्म किया, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया, कौन सी ऐसी सब्सिडरी है जिन्होंने सबसे कम प्रोडक्शन किया, जिन्होंने सबसे कम प्रोडक्शन दिया, और कुछ और भी रीजंस के बारे में मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि आखिर कोई सब्सिडरी कम प्रोडक्शन दिया है तो इसका क्या कारण था। तो इन सब के बारे में डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कोल इंडिया लिमिटेड का टोटल प्रोडक्शन टारगेट कितना रखा गया था, और उसमें से अभी फिलहाल यानी 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म हुआ तो सब सब्सिडरीज को मिला के टोटल प्रोडक्शन कितना दिया गया कंपनी को। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने जो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन रखा था वो 710 मिलियन टन का प्रोडक्शन टारगेट रखा था 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए। स्टार्टिंग में ये प्रोडक्शन टारगेट रखा गया था, बट लॉकडाउन के चलते और बहुत सारी ऐसी प्लांट जो थी वो बंद थी, स्टील इंडस्ट्री बंद थी, कोल का जितना भी यूटिलाइजेशन होता है उसे बहुत से पावर प्लांट जो थे वो बंद पड़ गए थे और कोयला का जो खपत था वो कम हो गया था, जिसके कारण कोल इंडिया लिमिटेड का जो प्रोडक्शन टारगेट था उसको घटाना पड़ा। यानी 710 मिलियन टन जो प्रोडक्शन टारगेट था उसको जनवरी 2021 में घटा दिया गया, 710 मिलियन टन से 660 मिलियन टन कर दिया गया, उसको घटा के कर दिया गया था। इसके दो तीन कारण थे। सबसे पहला कारण था कि कोल इंडिया लिमिटेड की जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है उसमें पहले से ही डिस्पैच में कोयला पड़ा हुआ था। दूसरा है कि जो स्टील इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री लॉकडाउन के चलते बंद हो गया था, बहुत सारा कारखाना था जो बंद हो चुका था, जिसके कारण कोल इंडिया लिमिटेड को जो प्रोडक्शन था उसको घटाना पड़ा था। 660 मिलियन टन में जो कोल इंडिया लिमिटेड ने प्रोडक्शन किया, 596.25 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया, और जो डिस्पैच किया कोल इंडिया लिमिटेड ने 573.83 मिलियन टन का डिस्पैच कोल इंडिया लिमिटेड ने किया। अगर मैं ओवरबर्डन की बात करूँ तो 1578.62 मिलियन घन मीटर टन का ओवरबर्डन का टारगेट रखा गया था, उसमें से 1347.53 मिलियन घन मीटर क्यूब जो है वो पूरा किया गया था प्रोडक्शन। अब मैं बारी बारी आपको बताता हूँ कि कोल इंडिया लिमिटेड की जो अलग अलग सब्सिडरी कंपनी है उन्होंने कितना टारगेट रखा था और कितना प्रोडक्शन उन्होंने किया, कितना टारगेट को हासिल कर पाया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी ECL का। तो ECL ने जो प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा था वो 52 मिलियन टन का रखा था, और जो प्रोडक्शन हो पाया ECL की तरफ से वो 45.03 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो पाया। सेकेंड जो है वो BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बात करता हूँ, तो 29 मिलियन टन BCCL की तरफ से रखा गया था टारगेट, और अचीव्ड जो हुआ वो 24.66 मिलियन टन अचीव कर पाया। CCL की बात करें यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की, तो 74 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था CCL की तरफ से, और प्रोडक्शन टारगेट जो अचीव हुआ वो 62.59 मिलियन टन अचीव किया गया। नेक्स्ट जो बात करता हूँ वो NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की बात करता हूँ, तो 113 मिलियन टन टारगेट रखा गया था, और उत्पादन जो किया गया वो 115.05 मिलियन टन का उत्पादन किया गया। WCL की बात करें तो 60 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, और उत्पादन 50.27 मिलियन टन का उत्पादन किया गया। SCCL की बात करूं तो 172 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था, और 150.60 मिलियन टन उत्पादन किया गया। MCL की बात करूं यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की बात करूं, तो 160 मिलियन टन प्रोडक्शन टारगेट रखा गया था, और 148.01 मिलियन टन प्रोडक्शन हासिल किया गया। अगर मैं अब बात करता हूं कि सबसे ज़्यादा कोल इंडिया लिमिटेड की जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसने दिया, तो नाम आता है SCCL का यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का नाम आता है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने 172 मिलियन टन का टारगेट रखा था, और उन्होंने जितना प्रोडक्शन किया यानी SCCL ने जितना प्रोडक्शन किया वो था, SCCL ने जो प्रोडक्शन टारगेट रखा था वो 172 मिलियन टन का टारगेट रखा था, और जो अचीव किया उन्होंने 150.60 मिलियन टन अचीव किया, यानी SCCL का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रहा है। तो मैं सबसे पहले SCCL को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस अचीवमेंट के लिए। जो सेकेंड प्रोडक्शन जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रहा है वो MCL है यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। इसका जो प्रोडक्शन टारगेट रखा गया था वो 160 मिलियन टन रखा गया था, और जो प्रोडक्शन किया गया कंपनी के द्वारा वो 148 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया गया। तो दूसरा नंबर में MCL का स्थान आ गया। जो थर्ड
नंबर पे प्रोडक्शन किया गया वो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से किया गया। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने 113 मिलियन टन का टारगेट रखा था और जितना उन्होंने टारगेट रखा था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन किया, यानी 115.05 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया गया। ये कोल इंडिया लिमिटेड जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है उस सबका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव ग्रोथ है, बट NCL एक ऐसी कंपनी है जिसका टारगेट कम था और उन्होंने अचीव ज्यादा किया, उनका अचीवमेंट ज्यादा था, तो NCL को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँ। उसी के साथ वो इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें थर्ड नंबर पे प्रोडक्शन में आती है। अब मैं बात करूंगा सबसे कम अचीवमेंट यानी सबसे कम प्रोडक्शन किसके द्वारा किया गया, तो वो है BCCL यानी भारत कोकिन कोल लिमिटेड के द्वारा सबसे कम प्रोडक्शन किया गया। जो प्रोडक्शन का टारगेट था वो भी सबसे कम रखा गया था BCCL के द्वारा, यानी 29 मिलियन टन का प्रोडक्शन टारगेट रखा गया था और जो BCCL ने अचीव किया वो 24.66 मिलियन टन अचीव किया BCCL ने। इसका कई कारण है, बहुत सारा ऐसा रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि BCCL में ऑलरेडी डिस्पैच में कोयला पड़ा हुआ था जिसके कारण उसको पहले डिस्पैच को खाली करना पड़ा, जिसके लिए प्रोडक्शन को घटा दिया गया था BCCL को और BCCL को कम ही टारगेट दिया गया था प्रोडक्शन करने के लिए। सेकंड जो कारण है वो मैनेजमेंट की तरफ से जो बताया जाता है कि BCCL का फाइनेंशियल कंडीशन यानी इकोनॉमिकल जो स्थिति है वो उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण प्रोडक्शन कम रखा गया था, मशीनरी में खर्च नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि एम्प्लॉय का सैलरी देने के लिए उनको ओवरड्राफ्ट करना पड़ा था, तो ये भी एक कारण कह सकते हैं आप। जो थर्ड कारण है वो है BCCL के अंडर बहुत सारी आउटसोर्सिंग कंपनी चलती है, जो बहुत सारी आउटसोर्सिंग कंपनी इस बार यानी 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में हिंड्रेंस का सहारा लिया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको क्या रीज़न लगता है कि BCCL का प्रोडक्शन कम क्यों हुआ है, उस पर कमेंट जरूर करें मेरे कमेंट सेक्शन में। अगर मैं कम की बात करूं कि BCCL का कम प्रोडक्शन है, तो मैं आपको बता दूं कि BCCL ने 31/3/2021 को यानी जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन था वो सिर्फ सिंगल दिन में हिस्टोरिक रिकॉर्ड बना, एक दिन में डिस्पैच जो है वो सबसे ज़्यादा BCCL ने किया। इसके साथ ही BCCL के नाम एक रिकॉर्ड भी आ गया है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि BCCL अगर एक दिन डिस्पैच करे, एक दिन अगर सही से BCCL में काम हो, तो BCCL एक दिन में विश्व रिकॉर्ड बना सकता है। अगर साल भर BCCL को वो सारी सुविधाएं दे दी जाए तो BCCL किस लेवल तक अचीव कर सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव हमें जरूर दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं, किसी सब्सिडरी में काम करते हैं, तो इस वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड करें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करें या फेसबुक ग्रुप में फॉरवर्ड करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियो जब मैं आपके सामने लाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।